मॉर्निंग क्लास UKG। आज मैं आप लोगों को बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द लिखने के लिए सिखा रही हूँ। अब नंबर वन में मैंने लिखा है क लकल। अब इसमें बड़ी की मात्रा, अगर क में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क में बड़ी की मात्रा की ल कील, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने क और ल में बड़ी की मात्रा लगाया है तो ये हो गया कली। व र वर। अब यहाँ पर व में बड़ी की मात्रा लगाकर वीर, वीर, वीर मतलब होता है बहादुर, बहुत ताकतवर आदमी। भ र भड़। अब यहाँ पर मैंने भ पे बड़ी की मात्रा भीड़, भीड़ लगा करके लिखा है तो भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा लोग जब यहाँ रहते हैं उसको कहते हैं। प र पर। तो प र में बड़ी की मात्रा री, परी, परी तो आप लोग सुने ही हैं नाम, परी कौन होती है। र स ला, रसला। अब इसको आप लोग पढ़ेंगे र स ला रसला, रसला पढ़ने में सही भी नहीं लग रहा है और ये गलत है। तो इसमें अगर हम र छोड़ करके स पे बड़ी की मात्रा सी और ल में आ की मात्रा ला, रसीला ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होता है आम जो होता है उसमें बहुत सारा रस होता है वो होता है रसीला फल। प प ता पपता। अब इसमें प प में बड़ी की मात्रा पी ता पपीता, ये भी एक फल है। लड़क लड़क, लड़क मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। और यहाँ पर हम लिखेंगे लड़ क में बड़ी की मात्रा की लगा देंगे तो बन जाएगी लड़की। लाल च लालच, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसमें बड़ी की मात्रा लगाना है तो ल में आ की मात्रा पहले से लगा हुआ है और ल है तो ल में बड़ी की मात्रा ली लगा देंगे तो लालिच हो जाएगा, तो ये पढ़ने में और गलत शब्द हो जाएगा। तो हम यहाँ पे च में बड़ी की मात्रा ची लगाएंगे तो बन जाएगा लालची। लालची मतलब जब हमको कोई चीज़ खाने का मन करता है और उसको देख करके लालच आने लगे तो उसको कहते हैं लालची। ब न वार बनवार। ब न वार बनवार ये भी पढ़ने में गलत लग रहा है तो हम ब न व में आके मात्रा वा और र में बड़ी मात्रा री लगा देंगे तो बन जाएगा बनवारी। बनवारी कृष्ण भगवान का एक नाम भी है। हरियाल हरियाल। हरियाल हरियाल, हरियाल मतलब भी कुछ नहीं होता, ये गलत शब्द है। तो अगर हम इस पर हरी या और ल में बड़ी की मात्रा ली लगा देंगे तो हो जाएगा हरियाली। इस तरह से आप लोग बोल बोल करके पढ़िए और पढ़ करके सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख करके मुझे भेजिए। और आप लोग सुलेख बुक में पेज नंबर 5 तक कंप्लीट करके रखिए। बाय।